कैथल के गुहला चीका में पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भारी जन सैलाब उमड़ा। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जहां कार्यकर्ताओं को बीजेपी की उपलब्धियों से अवगत कराया, तो वहीं आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए जीत का चुनावी मंत्र दिया। इस दौरान कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहां कोई भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है। तो वहीं कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस की ओर से अभी तक अपने संगठन का विस्तार नहीं किया गया। मैंने राजनाथ सिंह जी का एक भाषण सुना था, तो उन्होंने कहा कि मैं स्टार्टिंग में बूथ का अध्यक्ष रहा और उसके बाद कई बार फिर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। यानी कि यही कोई आम आदमी और अभी नायब सैनी जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं। मेरे सामने सामने बहुत छोटे छोटे पदों पे उन्होंने काम किया, मुख्यमंत्री जी के साथ काम किया, फिर वो जिला अध्यक्ष रहे, फिर वो किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रहे और आज वो पूरे हरियाणा के अध्यक्ष हैं। तो यहाँ कोई भी आदमी अपनी मेहनत से अपनी योग्यता से कहीं तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी। इतना ही नहीं, कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश ने नई उपलब्धियां हासिल की हैं। मुख्यमंत्री के प्रयासों से सरकार की योजनाएं अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। अब मुख्यमंत्री करनाल का है, किसी ने कहा चौधरी करनाल में लेगा ये, हम चौधरी नहीं है भाई। मारते लोगों ने वोट चौधरी बनने वास्ते नहीं दी, मारते वोट जो दी वो सेवा करने वास्ते दी। और किस वास्ते दी कि हम इंसाफ करेंगे, इस भाव के साथ वोट दी कि हम इंसाफ करेंगे। क्यों भाई, 9 साल लगे राज रहे, कहीं आपस शिकायत आई इस प्रकार की कि डेवलपमेंट के काम तो करनाल भी है रे। अगर आपका कहीं नहीं, अगर आप कैथल की बात करेंगे तो वहां भी इतनी है, गुहला चीका की बात करेंगे वहां भी इतनी है। बता दें कि बीजेपी की ओर से प्रदेश भर में पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कैथल के गुहला चीका में भी पन्ना प्रमुख सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की। कैथल से वीरेंद्र पुरी, सूर्या समाचार।